किसका इशारा पाया था इधर? कौन? राजकुमार मिश्रा। ये कौन है राजकुमार मिश्रा? भाग गया। तुम लोग का नाम क्या है? राहुल कुमार रखी पड़ा। कहाँ लखीसराय के रहने वाले हो? देश के कोलराज दिन धनबाद में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दो दिनों पहले गुंजन ज्वेलर्स में 1 करोड़ से ज्यादा के सोने और जेवरात लेकर 5 की संख्या में अपराधी वहां से भाग निकले थे। अभी तक इस मामले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लगातार चैम्बर के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इन अपराधियों को पकड़ा जाए और आज से इन लोगों का आंदोलन भी शुरू होने वाला था, लेकिन आज ठीक दो दिनों के बाद बैंक पोर्ट स्थित मुथूट फाइनेंस में आज अपराधियों के द्वारा एक बार फिर से डाका डालने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन को जब सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और यहां पहुंचकर हम देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और एक डकैत को एनकाउंटर किया गया है। 2 जख्मी है, उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है और 2 फिलहाल फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 2 बाइक भी पकड़ी गई है, एक जमशेदपुर और दूसरी रांची की बाइक यहां पर है। और यहां पे आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए। आगे वहां पर बाइक लगी हुई है जिसे अभी कवर किया जा रहा है। एक डकैत जिसका एनकाउंटर हुआ था वो भी अभी वहीं पर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डकैतों का मनोबल बढ़ा हुआ था और यही वजह थी कि एक बार वापस से 2 दिनों के बाद इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। आइए इस पूरे मामले पर हम कुछ चैम्बर के लोगों से बातचीत कर जाने का प्रयास कर रही थी। आज से इन लोगों का ये आंदोलन शुरू होने वाला था, लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन के बाद एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस पूरे मामले पर वो लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? बैंक मोड़ थाना के थाना प्रभारी श्री प्रमोद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत मुस्तैदी के साथ जैसे ही उनको पता चला, वो आते के साथ सबसे पहले एक अपराधी को इनकाउंटर किए और 2 अपराधी को पकड़े। ये धनबाद के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरे धनबाद के व्यवसायी वर्ग बहुत खुश है। इस तरह की घटना लगातार हो रही थी, आज पुलिस ने पूरे मुस्तैदी से काम किया है। मैं पूरे ज़िले के पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से जिला के पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे। धन्यवाद। जिस प्रकार से यहाँ पर एनकाउंटर किया गया, क्या लगता है कि अब इस तरह की हरकत करने के पहले कहीं ना कहीं अपराधियों में एक बार डर तो जरूर आएगा? इस तरह का एनकाउंटर यदि एक बार हुआ, एक बार और हो जाएगा तो उन लोगों में पूरी दहशत हो जाएगी, उन लोग हिम्मत नहीं करेंगे। और व्यापारियों का भी मन खुलेगा, वो छूट करके काम करेंगे अपना। व्यापारियों का भी डर खत्म हुआ इससे, और पुलिस प्रशासन जो इसी तरह इनकाउंटर करते रहे, व्यापारी वर्ग हमेशा उनका साथ देगा। सभी को मैं पुनः पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। धनबाद में अपराधियों का हम कहते हैं कि अड्डा माना जा रहा है। 2 दिन पहले घटना को अंजाम दिया गया, फिर वापस से घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? देखिए, लगभग 19-20 वर्ष पहले हीरापुर बैंक में बैंक रोबरी हो रही थी। धनबाद के हमारे जाबाज SP रणधीर प्रसाद वर्मा जी जिस तरह से भिड़ गए थे आतंकवादियों के सामने, वो फिर आज वो दिन आज याद आ गया। और बैंक मोड़ में जिस तरह से बैंक में रोबरी करने का प्रयास किया गया, बैंक मोड़ थाना प्रभारी को सूचना मिली, वक्त ऐसा था लोग सिविलियन तरीके से रह रहे थे और 1 मिनट में मोटरसाइकिल से लोग आए और एक डकैत का इनकाउंटर हुआ, 2 डकैत पकड़ाए हैं, 2 अभी सर्च चल रहा है। हम लोग पूरे धनबाद जिला के व्यवसाय की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, बैंक मोड़ थाना प्रभारी और पूरे धनबाद जिला के पुलिस प्रशासन को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। व्यापारी जिस प्रकार कई दिनों से भय के माहौल में जी रहे थे, आज हम लोग भय से थोड़ा मुक्त हुए हैं। हम लोग आंदोलन भी यहाँ से चालू होने वाला था, लेकिन आज हम लोग 4 बजे बैठ करके धनबाद के पुलिस को एक बधाई संदेश देंगे। और मैं फिर से बैंक मोड़ थाना प्रभारी पूरे धनबाद पुलिस को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। जो आज घटना हुई है, डकैतों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा कदम उठाया गया, क्या कहेंगे इसके? देखिए, अपराधियों का तो मनोबल बढ़ा रहता है हमेशा, उसको कंट्रोल करना प्रशासन की काम है। और आज जो ये हुआ कि पुलिस को खबर मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और ये जो घटना घटी है, 2 लोगों को इंजोरी हुई है और एक इनकाउंटर में नहीं बोलूँगा, वो गोली से मरा है, तो ये अपराधियों के बीच में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक कड़ा संदेश है कि जो अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ,
कि उन्होंने इस पे त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों का मनोबल तोड़ा है और व्यापारियों का और आम लोगों का विश्वास जीता है। आज के इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन प्रशासन की द्वारा जो कदम उठाए गए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधियों का मनोबल तो बढ़ा हुआ था, इसका एक उदाहरण यही है कि दो दिन पहले एक घटना हुई और आज फिर एक घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई। लेकिन मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह को धन्यवाद दूंगा, जो बैंक रोड थाना के इंस्पेक्टर हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, कि उन्होंने जैसे उनको सूचना मिली वैसे ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और पूरी अपनी टीम के साथ आकर के यहाँ पे अपराधियों के साथ लोहा लिया, एक अपराधी को इनकाउंटर किया और एक लाइव इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे खड़े बहुत सारे लोगों ने उस इनकाउंटर को देखा, तो कहीं से भी ये इनकाउंटर कमज़ोर इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ ये एक मैसेज देने वाला इनकाउंटर भी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अपराधियों को एक मैसेज जाएगा कि धनबाद की पुलिस जो है वो त्वरित कार्रवाई कर सकती है, बशर्ते सही जगह में सही पुलिसकर्मी पदस्थापित हों। इस घटना से पुरानी जो घटना हुई है, जो करोड़ों की घटना हुई है, उस घटना के उद्भेदन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूँगा कि उस घटना का मामले का उद्भेदन भी करे और जो अपराधी लोग सोना लूट के ले गए हैं उसकी बरामदगी पूरी की पूरी सुनिश्चित करें, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही सोने की क्वांटिटी घटती चली जाएगी और अपराधियों के पास क्षमता और शक्ति बढ़ेगी उस पैसे से। तो बिल्कुल, आपने देखा कि किस प्रकार से मुथूट बैंक में अपराधियों को के द्वारा आज यहाँ पर इसे निशाना बनाया गया था, लेकिन सही समय पर पुलिस प्रशासन को सूचना मिली जिसके बाद से त्वरित कार्रवाई की गई, एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया और हजारों की संख्या में यहाँ पर आज लोग मौजूद थे जिन्होंने इस एनकाउंटर को देखा। साथ ही साथ दो अपराधी घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। हमने जब चैम्बर के लोगों से बातचीत की तो इन लोगों ने सभी ने पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है इसको सराहनीय कदम बताया और कहा कि इस कदम के बाद से कहीं ना कहीं अब अपराधियों का मनोबल टूटता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि दो बाइक भी यहाँ पर पकड़ी गई है, हालांकि दो अपराधी भागने में सफल रहे हैं। काफी घंटों तक यहां पर एनकाउंटर की स्थिति बनी रही और हजारों की संख्या में यहां रोड पर भी लोग मौजूद थे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से गुंजन ज्वेलर्स में घुसकर अपराधियों ने इस तरह की डकैती की घटना को अंजाम दिया और आज ठीक दो दिन के बाद जिसे इसे निशाना बनाया गया था और ये जो कार्रवाई की गई है इससे अपराधियों का मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। चैम्बर के लोगों ने भी ये उम्मीद जताई है कि अब बहुत जल्द इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी लगेगी और अगर पुलिस प्रशासन लगातार इस तरह से एक्टिव रहेगी तो आम लोग और साथ ही साथ व्यवसायी वर्ग के लिए एक अच्छी खबर रहेगी। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।